हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई उठ लिया हूँ, घूम के भी आ गया हूँ, बच्चों को घुमा के लाऊंगा थोड़ी देर के लिए और फिर चलेंगे। आज मेरी ट्रेनिंग है भाई, इलेक्शन ड्यूटी की ट्रेनिंग करने चलेंगे भाई आज। चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक के लिए भाई। घने दिन में आई तू वीडियो में। अरे अरे यू ही चलेगा क्या? तो गाइस चल पड़े हम ससुर खाने के लिए भाई। कल भी आया था यू भी, आज भी है ना यू भी। कैसे लगे थे? बहुत बढ़िया, लेकिन पेट बिल्कुल नहीं भरा। पेट थोड़ी भरता उनसे, लगे कैसे? बढ़िया मस्त। तो गाइस यहाँ ससूत खा रहे हैं भाई, काफी मीठे ससूत हैं। यू भी कल भी खिलाए थे ना, और आज भी वंशु भैया को भी दे दे रहे। एक ऊपर ये रहे, ऊपर दे दे रहा पापा। कोई ना दे रहा। अरे ये कच्चे नहीं ना बेटे, दे रहे ऊपर इस पे। कच्चे नहीं दे रहे। हाँ एक और रहा सामने। कैसे लगे यू भी? बढ़िया। तो मैं आप तो अरे ये कच्चे हैं यार। अरे यो रहा मन ना छोड़ी जो वो, मैं तो पकड़ रहा हूँ जो हाथ में भी। ये तोड़ ले। ओए अकेले अकेले दिए। कैसे लगे यू? अच्छे लगे। बताओ अच्छे लगे। तो भाई जिस यू ने हमें परेशान कर रखा है यहाँ पैदल घुमा घुमा के, पिछले पे तो खा लिए सरसू, तो अब कह रहा आगे वो पेड़ उस पे और चलेंगे, और मैं मना। अरे भाग मत यार, भाग मत यार, भागा नहीं जा रहा इतना। अरे रुक जा। अरे यार भागा नहीं जा रहा मेरे से। अरे गिर जाओगे। अरे यार इतना पीछे छोड़ दिया तूने। दोपहर के 11 बज चुके भाई, और ये इतना भगा रहा है यहाँ पे हमें, और वो यू भी तो वंशु तो पीछे आ ही रहा है। अरे ये रहा, चल भाग अब। ये है अपना पेड़, अब क्यों आए वापिस, चले गए अंशु। तो गाइस निकल लिए भाई घर वापिस, खा गए ससुर वगैरह, क्योंकि आज की मेरी ट्रेनिंग है, ड्यूटी पे भी जाना है। यू भी यहाँ पे भी एक कुआ है पता आपको? बताओ वो रहा। अरे वहाँ नहीं। अच्छा यहाँ पर कहाँ है बताओ? अरे ये रहा, ये भी कुआ है। गिर गए ना तो डूब सकते इसमें, क्या हुआ? अरे यार मैं बच्चा। अरे नहीं बेटे सुन, ये बता ससुर कैसे लगे? बढ़िया लगे। अब मैं नहा रहा हूँ ठीक है, सो भी लिया भाई मैं, अब नहाने की तैयारी में हूँ। आगे सो गए थे ससुर खा के, जबकि दोनों शरारत कर रहे हो। नहा तो ले। चला ना, नहीं कुछ ना नहीं चल कल सही में गए हो गए फिर दोबारा। तो गाइस फिलहाल रेडी हूँ भाई ट्रेनिंग पे जाने के लिए। ट्रेनिंग है वो इलेक्शन है ना लोकसभा की, उसकी वजह से हमें ट्रेनिंग दी जाएगी दोबारा से, 3-4 बार वहीं जाना भाई। तो यू भी आप खाना खा लो, मैं ट्रेनिंग कर गया। अरे इलेक्शन ड्यूटी की। इलेक्शन क्या होता है बता दूंगा आने के बाद, ठीक है? तो चलते हैं गाइस, निकलते हैं भाई। गाइस ट्रेनिंग से तो आ गए घर भाई, मैंने वहां कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं की, और अभी पहुंचा हूँ स्कूटी पे गया था। क्या कर रहे हैं? ब्रेड चाह थोड़ी बनाई होगी। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, मैच आया हुआ भाई, मैच देखते हैं चेन्नई का, जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आ गया हूँ इवनिंग वॉक पे भाई, 7:30 हो गए हैं भाई, हम निकल गए। अब थोड़ा घूमूंगा, 1-2 किलोमीटर घूम तो वैसे दिन में भी आज का काफ़ी लिया था। ट्रेनिंग पे गए वहाँ भी पैदल चलना पड़ा था, लेकिन अब फिर आ गया भाई मौसम, इस टाइम थोड़ा ठीक हो जाता, दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है
तो अब घूम के आएंगे 2-3 किलोमीटर, फिर चलेंगे वापस और आज चलेंगे एक बार पंचायत घर में। वहाँ भाई कबड्डी की टीमें आई हुई हैं बाहर से भी, थोड़ा कबड्डी का मैच भी देख के आएंगे दोस्तों। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके बाद। और ये देखो गाइज, यहाँ गेहूँ वगैरह देखो भाई सारे कट चुके हैं, निकल चुके हैं और घर पहुँच चुके हैं। जिसको मंडियों में जाना था मंडियों में जा चुके हैं, और जिनको घर पे जाना था घर जा चुके हैं। इधर भी थे उधर भी थे, सारा एरिया खाली हो चुका अब खेतों में। मेरे ख्याल से तो कोई बचा नहीं होगा एक भी, सारा ही फिनिश हो चुका भाई मामला। तो भाई चलते भाई एक बार अब कबड्डी का मैच दे के आते हैं, बच्चों को भी साथ ले चलते हैं, आएंगे थोड़ी देर में। खाना वाना हो ही गया अपना, आराम से देख के आए। कबड्डी लीग का पटना पैंथर्स वर्सेस जयपुर पैंथर्स के बीच में टॉस हो चुका है। टॉस यहां पर फाइनल का पंगा, बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। रितेश स्वामी आए हैं पटना पैंथर्स के लिए। इस खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है पूरा इस। पर इस तरीके से खाता खुलता हुआ जयपुर पैंथर का। इस समय रितेश आए हैं रेड पर। इस खिलाड़ी ने अभी तक तो बहुत प्रभावित किया है, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल में किस तरीके से खेलते हैं वो देखने वाली बात होगी। इस समय टैकल कर लिए गए। एक खिलाड़ी भी बढ़िया खिलाड़ी है, इससे पूर्व मुकाबले में बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन अब यहाँ पर सेमीफाइनल मुकाबला है। अपनी टीम को यदि आपने इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचाना है तो आपको बढ़िया खेल का प्रदर्शन करना होगा। बालाजी एसोसिएशन जावड़ा मनु भाई ने 5,000 रुपए की धनराशि से समर्थन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है जयपुर के लिए, जयपुर यहाँ चाहेगा कि ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफी सामने रखी है इस पर अपना कब्जा जमाया जाए, लेकिन उससे पहले ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। बढ़िया लाइन जपना, लेकिन डिफेंस का समय पर सपोर्ट। फाइनल की टिकट पक्की की जाए, नहीं तो फिर ट्रेन की टिकट आपके पास पहले से बनी होगी। एक अंक स्कोर किया वहां, अंतिम रेड तक जाने वाला है ये मुकाबला। इस मुकाबले को आप देखना ना भूले। और बढ़िया टैकल वहां ढंग से भी करते हैं, वहां पर भी आपको भी आने वाले 4-5 मई को एक टूर्नामेंट होगा, वहां से लाइव जुड़ेगी हरिपुर धार से। उस टूर्नामेंट की कवरेज भी आप देखना ना भूलें। और बढ़िया खेल का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर इस सेमीफाइनल मुकाबले में। अगला जो सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है दोनों फाइनलिस्ट की में, प्लीज बिल्कुल आप तैयार रहें। आंखों में धूल झोंकने के लिए मैट पे कसमें खाने के लिए कहते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन ऑफिशियल की अपनी पहनी नजरें बड़ी तीखी नजरें होती हैं, लेकिन खिलाड़ी बड़े जाबाज है, छोटी मोटी इंजरीज की परवाह नहीं मारते हैं, क्योंकि कबड्डी का जो खेल है इसमें ये चीजें थोड़ी बहुत घटित होती रहती हैं। जयपुर के पास इस समय मामूली सी एक अंक की मनोवैज्ञानिक बढ़त है, लेकिन एक अंक की बढ़त कबड्डी में कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ बड़े बड़े स्कोर को एक दो रेड में पाटा जा सकता है जयपुर की टीम ने। और किक मारने का प्रयास था, रितेश ने थाई लगाई वहां, बढ़िया थाई का अटैक। और वो जो 2 अंकों की लीड, बड़ा फक्र महसूस कर रहे थे निश्चित तौर पर, है भी बड़े गर्व की बात है, बड़े फक्र की बात है। तो
तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।